तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी है सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं और मेरी बहन आज जा रहे हैं अपने मोटापा को कम करने। तो अभी देखते हैं, क्योंकि हमारा डेली का यही रूटीन रहता है कि सुबह मोटापा घटाओ और दीदी शाम को फास्ट फूड खाओ और सुबह मोटापा घटाओ, सुबह में मोटापा घटाओ और बस ऐसा ही चलता रहता है हमारा। तो अभी फिलहाल हम पहन रहे शूज़, और हम शूज़ पहन के अभी हमें निकलना है, लेट हो चुका है। तो पहले मैं शूज़ पहन लेती हूँ। आज तो बहुत बारिश हुई है, सब जगह पानी लगा हुआ है, पानी ही पानी लगा हुआ है हर जगह। लेकिन अभी भी बहुत ठंडा है, ठंडा नहीं है, गर्म है, गर्मी लग रहा है यार। 8 बज रहे हैं, आज हम लेट हो चुके हैं, ऑलरेडी ठंडा है। आज हम लेट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा जिम के लिए। अभी इतना सुपर है कि अभी रोड पर ज़्यादा गाड़ी वाड़ी भी चलता नहीं है, लेकिन मैं तो गाड़ी चल रही हूँ। और कुछ नहीं, लेकिन एम्बुलेंस जरूर दिख गया सुबह सुबह। और कुछ नहीं, लेकिन एम्बुलेंस जरूर दिख गया। सत्तू का स्टॉल लगता है, लेकिन हम लोग डेली सोचते हैं कि सत्तू पिए, बट हम लोग पी नहीं पाते हैं। ये है यहाँ पी नहीं पाते हैं। अब हम पी नहीं पाते हैं, हम पीते नहीं हैं। बोला मतलब बोला बोल रहे हो कि पी नहीं पाते या पीते ही नहीं है। हम लोग पीते ही नहीं है एक्चुअली। टाइम हो रहा है 8:30, हमें पहुँचते पहुँचते हो गए 8:30। अभी हम क्या करते हैं, हम डेली आते हैं, दीदी का एंट्री मैं करती हूँ, और आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो आज दीदी एंट्री कर रही है मेरा। भी टाइम कितना हुआ, 8:24। चलो अब करते हैं थोड़ा जिम में कर लिया जाए। हालत ख़राब हुई पड़ी है यार, थक गई। ट्रेडमिल क्या, अभी बहुत गर्मी लग रहा है वार्म अप करने के लिए, बहुत ज़्यादा ही स्वेटिंग हो रहा है मेरे को तो। अभी दीदी भी उधर रेस्ट कर रही है बैठ के, तो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कुछ ज़्यादा ही थक चुकी हैं। पता नहीं 2-3 दिन, अभी मैंने 4 दिन वैसे भी जिम ड्रॉप किया था, क्योंकि मुझे मैंने बताया कि पिछले वाले ब्लॉग में कि मुझे आई फ्लू हो गया था। आई मैं बोल ही नहीं पा रही, पहले सांस तो ले लूँ। हाँ, तो मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बताया था आप लोगों को कि मुझे आई फ्लू हो गया था, तो मैंने 4 दिन गैप करा था अपने जिम का, तो अभी फिर कंटिन्यू किया है। और सुबह में जिम, शाम को फास्ट फूड, इस वजह से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाता है। फिर अच्छी तरीके से डाइट ना लो तो अच्छे से जिम भी नहीं हो पाता है, इतने शरीर में तो एनर्जी ही नहीं है बिल्कुल भी। चलो अब थोड़ा सा रेस्ट करके मैं स्टार्ट करती हूँ अपना एक्सरसाइज वगैरह। हम अभी निकल चुके हैं जिम से बाहर, और अभी कहाँ जाएंगे दीदी, पता नहीं। आज इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मेरे को कि लग रहा था सर्वर घूम रहा है मेरा, तो ज़्यादा जिम भी नहीं हुआ। बहुत गर्मी लग रही है, कहाँ जाएंगे अभी?
अभी दीदी स्कूटी चलाएगी, अभी जाएंगे हम लोग जूस पीने। और क्योंकि बॉडी में तो लग ही नहीं रहा है कि बिल्कुल भी थोड़ा सा भी एनर्जी बचा है अब हमारे। शाम में फिर दीदी फास्ट फूड खाएंगे एनर्जी आने के लिए। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं जूस। फिलहाल ये हमारे जिम के बाहर का लुक। क्या कल दुकान नहीं खोले थे क्या? खोले थे, बारिश में भैया बना रहे जूस, इसलिए मशीन साथ नहीं। अच्छा फिर अभी करेंगे। हम आते हैं यहाँ जूस पीने। तो मैं आ गई हूँ घर और मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पूछो ही मत। मतलब कि एक जिम ना करो कि एक अलग ही, मतलब आने के बाद तो इतना मुझे नींद आता है। तो अभी मैंने शेक वगैरह पिया है और बॉडी इतना स्वेटिंग स्वेटिंग जैसा हो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, आई मीन बात लेने। तो देखते हैं आज का क्या प्लान है और आगे। तो चलो अब मैं मिलती हूँ आप लोग से दूसरे व्लॉग में। तो आप लोग को मेरा व्लॉग अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लोग मुझे बिल्कुल सपोर्ट करिए, मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगी प्लीज़। क्योंकि मुझे अभी किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कहाँ मेरे से अप एंड डाउन हो रहा है, तो मैं उसको ठीक करूँगी। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।